लेकिन एक चीज जरूर है कि वहां की पब्लिक क्या चाहती है। मैं सत्यप्रकाश जी लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में 90 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। 90 सीटों की यदि बात करें तो यहां कांग्रेस अब 45 पर आगे है हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी अभी 36 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो आप ही देखिए कि हरियाणा के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, और इस वक्त ये एक बड़ा अपडेट है। 90 सीटों के जो रुझान आ चुके हैं हरियाणा से, वो आपको एक बार फिर से बता दें, दरअसल रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि ट्रेंड के अनुसार बीजेपी भी बढ़त बनाएगी, लेकिन यहां पर बिल्कुल रुझानों में एक बहुत बड़ा जो उलटफेर है वो भी देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आती हुई दिखाई दे रही है, और एक तरफ जहां शुरुआत में कांग्रेस आगे थी, काफी आगे थी, बीजेपी बहुत पीछे थी, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी सीट्स बढ़ाती जा रही है और बहुमत से इस वक्त कांग्रेस पीछे हो गई है। आप जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के अनुसार बहुमत में इस वक्त कांग्रेस पीछे हुई है, और कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जो ट्रेंड हरियाणा की राजनीति का रहा है विधानसभा चुनावों का, 2000 से लेकर 2019 तक में 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, और उसमें ट्रेंड के अनुसार बीजेपी सरकार में आएगी अगर वैसे ही परिपाटी चलती रही हरियाणा विधानसभा चुनाव की तो। और रुझानों में तो आप साफ तौर पर देख ही रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आए थे उसमें कांग्रेस बहुमत में नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त हालांकि अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार इन आंकड़ों में चेंज नजर आएगा आपको। और सीधे रुख करेंगे हम डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हरियाणा का जिक्र है तो सीधे रुख करेंगे वह आलोक वत्स जी के पास। आलोक जी, आप इसको समझना चाहेंगे, क्योंकि भले यहां पर एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो 5 विधानसभा चुनाव 2000 से 2019 तक में देखें तो वहां पर जब भी पिछले विधानसभा चुनाव से मौजूदा चुनाव के जो परसेंटेज है वोटिंग के, अगर वो कम है या 1% या 2% भी बढ़े हैं, तो वहां पर मौजूदा सरकार या तो खुद या तो गठबंधन के साथ ही सत्ता में आती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो बीजेपी सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि देखिए, गठबंधन तो आज के दौर में मजबूरी है देश में जी, सारे पार्टियों के अंदर, शायद ही कोई पार्टी है जो गठबंधन के अलावा अपना ताल ठोक गई, मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन हाँ, अब जो शुरू के रुझान थे जो, और अब का जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं लगता है, और मैंने पहले भी कहा था अन्य चैनलों पर भी, मैंने सुबह से बोला है कि शुरुआती दौर में चुनाव के कांग्रेस काफी लीड ली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए बीजेपी ने काफी चीजों को अपने पक्ष में करना चालू किया, और इसको कहते हैं ना, बहुत सारे लॉस काउंट को उन्होंने कवर करना चालू किया। उसी का रिजल्ट है ये नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ा और वेट कर दीजिए तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में चीजें काफी स्पष्ट हो जाएंगी, और किसकी सरकार पार्टी में बनने जा रही है इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं रह जाएगा। लेकिन जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, वहां पर तो एनसी और कांग्रेस का मुझे क्लियर लीक नजर आ रहा है, वो वहां के आवाम को कन्विंस करने में सफल रहे कि 370 और 35 से हमारे खिलाफ है, और हम जैसा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्विंस कर दिया था नॉर्थ इंडिया के खासकर वोटरों को कि अगर बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान पे फिर बल कर देगी, उसी तरीके से वहां पर ये 370 और 35 के विरुद्ध उन्होंने लोगों को कर दिया, और वहां पे उनकी सरकार क्लियर मेजोरिटी से बनता है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रेम जी से भी एक रिएक्शन लेंगे। प्रेम जी, अब जो आप बात कह रहे थे वो कुछ कुछ अब नजर भी आने लगी है कि ये तो रुझान है, ये अभी आगे पीछे चलते रहेंगे, अभी तक कांग्रेस को बहुमत था रुझानों में, और अब बहुमत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी भी नजर आ रही है। 40 और 43 का ये जो आंकड़ा है, बहुत कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। उससे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर फिरोजा पहनेंगे तो लाभ होगा, तो फिरोज भाई तो स्वयं बैठे हैं, मुझे लगता लाभ तो होना ही है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ अगर सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे तो वहां मैंने पुनः कहा है, वहां राजनीति से बड़ी राष्ट्रनीति है, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर निर्णय लिए, अब चुनाव परिणाम जो भी हो लेकिन राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लेने थे वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 370-35 राष्ट्र के खिलाफ थी। अगर अटल जी की बात करते हैं तो टाडा किसकी सरकार में, नरसिम्हा राव जी की सरकार में हटाया किसने, कांग्रेस ने, क्यों, क्योंकि एक विशेष दल के लोग पकड़ा रहे थे, उसके बाद में कोटा